ब्रह्मोस के बाद चीन पर फायर होगा अग्नि 5। अग्नि 5 मिसाइल पर भारत कर रहा ऐसी तैयारी कि सिर्फ प्लानिंग से ही मचा चीनी हुकूमत में हड़कंप। अब यूएनएससी की शरण में भागी जिनपिंग सरकार। भारत अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा। चीन शांति की भाषा नहीं समझता। चीन को जवाब देने के लिए भारत अब कूटनीति के साथ साथ सैनिक क्षमता भी बढ़ा रहा है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि भारत ब्रह्मोस को ताइवान, फिलीपींस जैसे देशों में तैनात करने की योजना बना रहा है। ब्रह्मोस का निर्यात करने की अनुमति रूस भारत को पहले ही दे चुका है। मजे की बात यह है कि ब्रह्मोस वो ताकत है जिसका जवाब ना तो चीन जानता है ना उसके आका देश जानते हैं। चीन के किसी भी शहर पर ब्रह्मोस के फायर होने का मतलब है उस शहर का सर्वनाश, यानी यह मिसाइल रडार की पहुंच से बाहर है। चीन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ब्रह्मोस के आगे बेकार हो जाएगा। वहीं अब चीन को लेकर भारत ने चीन को डरा देने वाला फैसला लिया है। वो डरा देने वाला फैसला है अग्नि 5 मिसाइल को लेकर, जो ब्रह्मोस की तरह ही खतरनाक है। इस समय चीन और भारत के बीच जबरदस्त तनाव चल रहा है और इस समय भारत का अग्नि 5 जैसे बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार करना चीन और अमेरिका के होश उड़ा देने वाला कदम है। भारत के इस फैसले की अहमियत क्या है, ये बात आप यूं समझ लीजिए कि भारत के इस फैसले के खिलाफ चीन रातों रात यूएनएससी में पहुंच गया है। वहीं दुनिया के देशों को भारत के इस कदम के बारे में बता रहा है। चीन जानता है कि ब्रह्मोस की तरह ही अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को रोक पाना उसके बस की बात नहीं है। दोस्तों, भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर क्या फैसला किया है और अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल एक बार फायर होने के बाद चीन का कितना नुकसान कर सकती है और चीन क्यों इस मिसाइल से डरकर यूएनएससी भाग गया है, ये सब आपको बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग से डरा हुआ है चीन। चीन को एक झटके में राख कर सकती है अग्नि 5 मिसाइल। हाल ही में मोदी सरकार में राज्य मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि चीन जल्दी ही लद्दाख में भारत के इलाकों में बैठी अपनी सेना को वापस नहीं बुलाता है तो भारत जल्द ही चीन के साथ जंग का ऐलान कर सकता है। भारत के पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अब भारत की तैयारी देख सुब्रमण्यम स्वामी की ये बात सही लग रही है। भारत एक तरफ जहां अपने मित्र देशों का चीन के खिलाफ समर्थन हासिल कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर भारत के मिसाइलों को भी तैयार कर रहा है। चीन की परमाणु मिसाइलों को रोकने के लिए भारत ने INS ध्रुव को पहले ही समुद्र में लॉन्च कर दिया है। अब भारत अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर जबरदस्त तैयारी कर रहा है, क्योंकि अग्नि 5 मिसाइल चीन के सभी शहरों को राख कर सकती है, इसलिए भारत अब इस मिसाइल का सबसे घातक परीक्षण करने जा रहा है। अमेरिका को भी टक्कर देने वाला चीन भारत के इस एक्शन से इतना क्यों डर रहा है, ये जानने से पहले आपको भारत के इस वार के बारे में बताते हैं जो अग्नि 5 के द्वारा चीन पर किया जाना है। चीन के खिलाफ सबसे बड़ी तैयारी करते हुए भारत अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइल चीन के कई शहरों तक पहुंच सकती है। इस मिसाइल से भारत की सैन्य शक्ति में जबरदस्त मजबूती आ जाएगी। अग्नि 2, 3 और 4 मिसाइल पहले से ही भारतीय सेना में कमीशन की जा चुकी है। अगर रेंज की बात करें तो अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर तक है। हालांकि दोस्तों, ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, बाकी बताया जा रहा है कि एक्चुअल में अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 10000 किलोमीटर से ज्यादा है, इसलिए चीन के होश उड़े हुए हैं। यह मिसाइल अपने साथ पारंपरिक विस्फोटकों के अलावा परमाणु वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। अग्नि 5 का परीक्षण करने के बारे में भारत की योजना को लेकर जब चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लेजान से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अग्नि 5 और ब्रह्मोस मिसाइल दोनों चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि भारत का इन खतरनाक मिसाइलों को इस तरह रेडी करना भारत के आक्रामक रवैये को दिखाता है। भारत की अग्नि सीरीज की मिसाइलों से क्यों डरता है चीन? अब यूएनएससी में चीन ने बताया कैसे खौफजदा है
अग्नि 5 से। चीन को पता है कि यदि भारत अग्नि 5 का टेस्ट करने में सफल होता है तो उसके कई शहर मिसाइल की जद में आ जाएंगे, इसलिए बचने के लिए वो यूएनएससी में जा पहुंचा है और वहां पर वो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नियम याद दिला रहा है। भारत के अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के इस टेस्ट मात्र से ही चीन इतना हिला हुआ है कि चीन ने अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण के पहले ही भारत पर दबाव बनाने के लिए यूएनएससी का सहारा ले रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि अगर भारत परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास कर सकता है, इस बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1172 में पहले ही स्पष्ट नियम है। चीन कह रहा है कि यूएनएससी के प्रस्ताव 1172 के तहत भारत ऐसी मिसाइल की टेस्टिंग नहीं कर सकता है। चीन के मन में डर इस बात का है कि भारत ने जंग के वक्त अगर ये मिसाइल चीन पर फायर कर दी तो उसे रोकने के लिए उसके पास कोई हथियार नहीं होगा। डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई ये मिसाइल एक झटके में ही बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। परमाणु हथियार ले जाने वाली इस मिसाइल की पहले भी 5 बार सफल टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन इस बार भारत ये टेस्टिंग चीन को ध्यान में रखकर कर रहा है। अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, इसकी वजह से इस मिसाइल को कहीं भी बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि यह मिसाइल 1.5 टन का परमाणु हथियार ले जा सकती है। इतना परमाणु मटेरियल किसी भी बड़े शहर को तबाह कर सकता है। इसकी गति ध्वनि की गति से 24 गुना ज्यादा है, यानी निर्देश मिलते ही यह मिसाइल पल भर में अपना काम कर देगी। वहीं अग्नि 5 मिसाइल का इस्तेमाल बेहद आसान है, देश के किसी भी कोने में इसे तैनात कर सकते हैं, जबकि किसी भी प्लेटफॉर्म से युद्ध के दौरान इसकी मदद ली जा सकती है। दोस्तों, चीन को लेकर मोदी सरकार इस बार नए सिरे से तैयारी कर रही है। एक ओर जहां समुद्र में चीन के हथियारों की जल समाधि बनाने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का सहारा लिया जा रहा है, तो वहीं भारत ब्रह्मोस और अग्नि 5 जैसे खतरनाक मिसाइलें भी तैयार कर रहा है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि भारत 1962 के युद्ध में जो गलती तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने की थी, वो गलती मोदी सरकार नहीं करने वाली है, बल्कि चीन को जबरदस्त तरीके से टक्कर मिलने वाली है। इस संबंध में अगर आप मोदी सरकार के इन फैसलों के साथ हैं तो वीडियो पर लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट कर बताएं कि क्या पूरे चीन को अपनी जद में रखने वाली अग्नि 5 पर भारत का ये फैसला क्या सही कदम है? क्या अग्नि 5 और ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को LAC पर चीन के सामने तैनात कर देना चाहिए? इस संबंध में अगर आप ज्यादा जानकारी रखते हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं।